Ich war, du warst, er, es, sie war, wir waren, ihr wart, sie waren. Ich bin, du bist, er, es, sie ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Waren और हटन जाइन और हबन के पास्ट है. सबसे ज्यादा वर्ब काम में आती हैं ये दोनों, जाइन और हबन. तो ये तो हो गया जाइन का प्रेजेंट. ऐसे ही हबन का कोई प्रेजेंट लिखे तो क्या लिखेगा? इश हबे डू वियर ईयर जी ऐसे ही हाबन का पास्ट होता है हाटन. तो हाटन में इसके साथ क्या होगा? डू डू हाटेस्ट एर एस जी वियर ईयर हार्टेड और जी जी हार्टन. ठीक है, ये जाइन हबन का प्रेजेंट और जाइन हबन का पास्ट ये हुआ. अब इसके अगली एक्सरसाइज है, उसमें हम लोग जाइन और वारन मतलब जाइन फॉर्म का ही प्रेजेंट या पास्ट फिल करेंगे. हाय लेना उन पाउल जिंड इन्वेंशन गेस्टन जिंड जिंड गेस्टन वारन गेस्टन मतलब गेस्टन का मतलब है कल. कल हम ओलंपिया पार्क में थे, कल की बात होगी. गेस्टन तो उसके साथ जिंड नहीं आ सकता, वारन ही आएगा. दान वारन वारन ही आएगा, कल की बात चल रही है. ये हिंट दे रहा है आपको पास्ट का और ये हिंट दे रहा है प्रेजेंट का. यस जिंड वी आर इन अनम कैफे उन ट्रिंकर लाटे मसियाटो लेकर टेस्टी है. चैटिंग चल रही है. हेलो अब ये अपनी बता रहे आना उन्देश गिस्टन हम ब्रांडन बुर्गर टॉड वास्ट टू शोन मार इन बर्लिन. कभी बर्लिन आयो क्या? बर्लिन इज सुपर. हा बर्लिन या क्वेश्चन क्या था? वार्स टू शोन माल इन बर्लिन. कभी बर्लिन आयो या इश्वर शोन माल दा? यस आई वॉज देयर. एस इज गिनियाल. गिनियाल का मतलब है ओसम. और हम्बुर्ग कब आ रहे हो? वन साइड ईयर इन हम्बुर्ग. कौन आनू आना इस्ट मॉर्गन वीडर इन कोल. कल वापस ये कोल कोलोन में आ रही है. दान फ्रैंकफर्ट उन जो जापान. ओके गिनियाल moment genial okay.
Genial is awesome. Genial. So we were there film. Yeah. First standard. Yeah. क्या meaning निकला इसका? Elven out. क्या story है इसकी? जेकब एक थिएटर डायरेक्टर थे, इनका एक्सीडेंट हुआ, इनकी इन्हीं की गलती थी, एक्सीडेंट बीइंग लीली बचपन से आधे ब्लाइंड हो गए, फिर ये अपनी मम्मी के जो रसिया में रहती हैं उनसे मिलना चाह रहे थे, इसकी इनकी गर्लफ्रेंड भी छोड़ दी एक्सीडेंट के बाद, फिर जब मम्मी से मिलने गए वहाँ पे एक लीली नाम की लड़की मिली, वो पहले से बचपन से ही अंधी थी, फिर उनके साथ घूमे हो गया. ओके एनीबडी एल्स, और किसी को समझ आया कुछ इसमें? ये इसका क्या मतलब निकला, मुझे तो ये समझना है. एरबजन ऑफ हाल जैक्स कि 5:30 पे चले. यस प्लीज. Yeah. So that means she is to know where what food is. Correct. So in the plate, जब भी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो खाना पता होना चाहिए ना आपको, किधर पड़ी है सब्जी, किधर पड़ा दही, किधर. सो सी इज आस्किंग टू द वेटरेस और वेटर, प्लीज कंसिडर माई प्लेट एज क्लॉक, और जैसे घड़ी में टाइम बजता है उस तरीके से मुझे समझाओ, मुझे ऐसे समझ नहीं आता, वैसे बताओ कहाँ है. तो कैलनरी ने कहा कि भाई तुम्हारे चने 5:30 पे पड़े हैं, मतलब आपकी प्लेट अगर घड़ी है तो 5:30 जहां बजते हैं वहां पे चने पड़े हैं. ये था ताकि उनको पता चल जाए कि कौन सी चीज प्लेट में कहां पड़ी है. सो कैलनरी और कैलनर हैज टू एक्सप्लेन दैट वेयर द फूड इज लेइंग इन द प्लेट. सो याकोब इस्ट अर्फोलग्राइस, इसमें 2-3 एक्सप्रेशन बहुत प्यारे हैं इसलिए मैं लूंगा, नहीं तो आपने होमवर्क तो कर लिया इसको घर पे. बट याकोब इस्ट आइन अर्फोलग्राइस सर थिएटर रेगिशोयर, ही इज ए सक्सेसफुल थिएटर रेगिशोयर का मतलब थिएटर डायरेक्टर, डायरेक्टर ये थिएटर में काम करता है, डायरेक्टर है, गाइड करता है लोगों को कैसे. बट अमान फंग दिस फिल्म, बट इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म, ये फिल्म में थिएटर डायरेक्टर है, मतलब फिल्म में इसका रोल है थिएटर डायरेक्टर का, फिल्म में रोल है, ये एक फिल्म की स्टोरी है, मूवी दस इज एन फिल्म जर्मन में. सो इस फिल्म में सबका रोल होता है, कोई चाय की थड़ी कर रखी है, कोई मान लो फिल्म में भी कई फिल्म स्टार होते हैं. सो ऐसे ये थिएटर रेगिशोयर है. अब अमान फांग दिस फिल्म्स, अमान फांग और अम एंड है, ये एक्सप्रेशन आपको लर्न करने हैं. अम अन फांग अम एंड है, अन फांग तो होती है बिगिनिंग, अन फांग इज बिगिनिंग, बट कोई बोले आम अन फांग इसका मतलब हो गया इन द बिगिनिंग. अनफंग तो बिगनिंग है, बट आम अनफंग का मतलब इन द बिगनिंग, एंड आम एंड एट द एंड. सो अनफंग दिस फिल्म्स हैड एन उनफाल थिएटर रेगिशोयर याकोब, फिल्म में इसका नाम याकोब है और ओरिजिनल नाम क्या है, हिल्मर स्नेर गुड नाजोन, फिल्म में नाम लेकिन याकोब है, अमिताभ बच्चन का फिल्म में तो नाम कुछ और होता है. ऐसे ही एयर
वेड ब्लिंड, वो अंधा हो जाता है एक्सीडेंट होता है तो. अनडेमेयर शुल्डिस्ट एंड ही वाज हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल, खुद की गलती से एक्सीडेंट हो जाता है जिंदगी में कभी कभी. सो याकोबिस्ट व्यूटेंड ऑन सर फॉर स्वाइफेल्ट ही इज कन्फ्यूज व्हाट टू डू, फ्रस्ट्रेटेड जीने का मन नहीं करता इसका. वाइल एयर जैनन बिरूफ अल्स द गिशोयर अंडे नागल हैंगन मूस, अंडे नागल हैंगन मूस ये एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है इसको अपने प्रोफेशन को खूंटी पे टांगना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा. अंडे नागल, नागल कील में टांगना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा प्रोफेशन, प्रैक्टिस नहीं कर सकते एनी मोर. अंडे नागल हैंगन उंड ट्रेंट जिस फोन जाइनर फ्रेंड इन एक्सीडेंट हो गया तो फ्रेंड भी छोड़ गई, सेपरेट हो जाते हैं. दुख आते हैं तो बहुत आते हैं एक के बाद एक, इसके भी अंधा हो गया, फ्रेंड छोड़ गई, जिंदगी का पता नहीं आगे कैसे क्या होगा. एयर हार्ट आंगस्ट फॉर द शुकुनफ्ट ही हैज फियर उंड विल निस्ट मेयर वाइटल लेबन एंड ही इज नो मोर इंटरेस्टेड टू लिव फर्दर. कई बार जिंदगी में बहुत अंधेरा हो गया तो आदमी सोचता है मर ही जाऊँ इससे बढ़िया तो. सो ऐसा इसके दिमाग में आ गया. Und will nicht mehr weiterleben. Aber möchte noch seine todkranke Mutter, die in Russland lebt, besuchen. But उसको ध्यान आया कि मम्मा todkrank, todkrank का मतलब है मृत्यु सैया पे बैठी है, डेथ बेड पे है मम्मा, ऑलरेडी ओल्ड है और डेथ बेड पे है, कभी भी मम्मा मर सकती है. तो ये सोचा कि मैं मरने से पहले मम्मा से तो मिल लूँ एक बार, इस तरह से आखिरी इच्छा के सेंस में. एर वोल्ट बिजुखन, अब उसको मम्मा की भी याद आई. डन लैंड एयर लिली फ्रिट्सी हबरलैंड, हम बिजी होते हैं हमको पता ही नहीं मम्मा क्या हाल है, लेकिन खुद पे आई तो मम्मा को भी एक बार मिल लेते हैं, है ना, टाइम नहीं निकालते. डन लैंड एयर लिली एंड देन लिली करके शायद इनमें मिला होगा. कैनन वर्ब कौन सी है इसमें, कैनन लर्नन, कैनन लर्नन ये सेपरेबल है तो कैनन लर्नन में लर्नन का तो, लर्नन का तो होगा कंजुगेशन और कैनन आएगी लास्ट में. तो यहां पे दान लर्नड एयर लिली कैनन, लिली का ओरिजिनल नाम फ्रिट्सी हबरलैंड ये नाम है, फिल्म में लिली बोलते हैं उसको. लिली फोन गिबूट अन ब्लिंड, अगेन एक फिक्स एक्सप्रेशन, फोन गिबूट अन, फोन गिबूट अन मतलब बचपन से ही, सिंस बर्थ, यस, फोन अनफंग अन ये फिक्स एक्सप्रेशन है, फोन अनफंग अन या फोन गिबूट अन. जी फिंडेट जी इन इरर वेल्ट गुड सुरेस्ट, गुड सुरेस्ट जिस गुट सुरेस्ट फिंडन का मतलब है अपने आप से संतुष्ट होना, कोई कंप्लेन नहीं होना. वो बचपन से अंधी है, उसको कोई कंप्लेन नहीं है जिंदगी में, लेकिन ये अब हो गया तो ऐसे कंप्लेन. गिमाइन जाम माखन जी जिस ऑफ्टन लांगन वेग नाक ओस्टन एंड बोथ बोथ ऑफ देम आर गोइंग इन ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट, जर्नी कर रहे हैं वो. The Raja Ishtemadish films, actually the journey is the story of the film. Order Handlung is Ost Europa. Order Handlung का मतलब है फिल्म की शूटिंग ज़्यादातर ईस्ट यूरोप में हुई है, क्योंकि रशिया जाना है और जर्मनी से जा रहे हैं तो ईस्ट यूरोप ही है उधर सारा, उधर ही उसकी फिल्म की शूटिंग वगैरह हुई है. The Biden Blinden, Biden Blinden means both the blinds, दोनों ब्लाइंड लोग. अब कितना कितना परसेंट ब्लाइंड है पता नहीं, लेकिन दोनों अंधे हैं, सो दिखता नहीं है इनको प्रॉपर. सो बाइडन दी बाइडन ब्लाइंड एंड कॉमन मंच मारिन गेफेरली से सिचुएशन दे कम अक्रॉस सम डेंजरस सिचुएशंस ट्रॉट्स देम गिव्ट अस आउक फील कॉमिक एंड ह्यूमर. डेंजर है लेकिन फिर भी मजे आते हैं फिल्म में, कुछ तो कॉमेडी सीन हो जाते हैं बीच बीच में, कॉमिक एंड ह्यूमर. अमेंड है, अगेन आ गया अमेंड है एट द एंड दिस फिल्म. फरेंडर्ट, फरेंडर्ट का मतलब है दोनों ही चेंज हो जाते हैं लास्ट में आते आते, एटीट्यूड बदल जाता है जिंदगी को लेके. याकोब लैंड
दस मान जाइन शिक्षाल एक्सेप्ट ईयर इन मूस सिक्स साल करके एक वर्ड है फेट मतलब भाग्य किस्मत शिक्षाल एक्सेप्ट ईयर इन मूस और अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी एक्सीडेंट कहाँ कहाँ लफड़े हो गए जिंदगी में सो शिक्षाल बट अब हो गए तो हो गया यू हैव टू एक्सेप्ट इट एक्सेप्ट ईयर इन मूस ये समझ में आ गया उसको मरने की जरूरत नहीं है ये समझ में आ गया उसको कि जो हो गया वो हो गया ऐसे ओंट लिली फॉर लिफ्ट जिस इन इन एंड लिली इज इन लव विद हिम उसको उससे प्यार हो जाए लांगजाम फिंडन द बाइडन मेंशन सू आइन अंडर एंड बोथ स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर याकोब आर क्लेर्ट एंड देन याकोब एक्सप्लेन्स लिली याकोब ने तो जिंदगी में कलर भी देखे हैं लिली तो बचपन से अंधी है तो उसको तो पता ही नहीं कलर कलर क्या होते हैं सो ही ट्राइज टू हेल्प हर वी दी फार बगेल बाउस जीट आउस जेहन का मतलब है टू लुक लाइक टू लुक कि कलर कैसा दिखता है दी फार बगेल्ब गेल्ब मतलब येलो येलो कलर कैसा होता है उसको समझाने की कोशिश करता है क्योंकि उसने तो देख रखा है येलो कैसा था अब उसको कैसे समझाए बोलता है नेमलिश बोले तो वी दी फार बेडेर जोन है कहता है सूरज का कलर होता है ना वैसा बट उसको अब उसको तो पता नहीं उसने देखा नहीं सूरज का कैसा होता है फिर बोलता है जो ना ऑफ एनम वार्मनस्टाइन की पत्थर को गर्म कर लो आप जला लो तो जो कलर होता है ना वो अब वो कैसा होता है लिली हेल्प याकोब और लिली उसकी क्या हेल्प करती है बाई डेर ओरिएंटियरुंग इम डुंकलन डुंकलन मतलब अंधेरा अंधेरे में कैसे चलते हैं उसकी तो प्रैक्टिस हो गई बचपन से अंदाजा ही हो गया उसको तो वो उसकी हेल्प करती है इम डुंकलन इन डार्क बाई मैसन इस विस्टिश सुविशन वो एटवास ऑफ डिमटेलर लीक्ड वेयर समथिंग इज लोकेटेड सिचुएटेड लेइंग प्लेट में कहाँ क्या पड़ा है खाने में वो इम्पोर्टेंट होता है लिली अर्कलेर डेंट्रिक मिडर उअर वो उसको एक्सप्लेन करती है कि कैसे ना कोई बोले तो पूछ लिया कर उससे फिर एक रेस्टोरेंट में जब वो खाना खा रहे थे तो उसने केलनरिन को बोला स्टेलन जी जिस देन टेलर अल्स उअर फोर फोर स्टेलन का मतलब है इमेजिन तुम मेरी प्लेट को आप मेरी प्लेट को घड़ी की तरह इमेजिन करो कल्पना करो जैसे कोई घड़ी है जाक दी बाइड फ्राउ सुरकेलनरिन दी ब्लिंड फ्राउ सुरकेलनरिन उन दान जागन जी मियार ऑफ वेल्सर साइट दस एसन लेट वेयर माई फूड इज लोकेटेड तो उसका आंसर आया था क्या आंसर आया एर्बजन ऑफ हाफ जैक्स चने तुम्हारी जो है वो 5:30 पे पड़े हैं एब्जन ऑफ हाफ जैक्स सो याकोब इस्ट फोन की बूट एयर हार्ट आइनन वर्ड क्या है उसके लिए एक्सीडेंट के लिए उनफाल आउटो उनफाल याकोब जो है याकोब इस्ट फोन बेरूफ अर्फोल ग्राइसर थिएटर रेगिशोयर थिएटर रेगिशोयर है बिल्कुल एरिस्ट ब्लिंड 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 बोलना है एयर विल क्या चाहता है वो बिजुखन टूट गई वो तो माँ को विजिट करना चाहता है एयर विल निस्ट मै वाइट लेबन एयर विल जाइनट टोड क्राम के मोटर इन रूसलैंड बिजुखन ओके एयर थ्रिफ्ट लिली लिली इस्ट ओके फोन गेबूट अनब्लिंड ऐसा कैसे ही बोलना है जामन राइजन जी
किधर गुडरू स्टेज किधर जा रहे हैं वो ईस्ट ईस्ट ओके नाउ लिली हिल्फ्ट याकोब किस चीज में हेल्प करती है लिली देखो इसमें लिखा है कुछ बाय डियर ओरिएंटेरियम हाँ इम डुंकल या उन आउक बाय मैसन खाने में भी हेल्प करती है किस तरीके से उस चीजों को देखे उसका एक्सपीरियंस है जी फरलिप जिश उंट जी इंडर्न जी जिंट आमेंड फरेंडर्ट एटीट्यूड लाइफ का बदल गया दोनों का जी आर क्लेयर डेंट्रिक मिड डे उवर ट्रिक मिड डे उवर यस ओके सो हम होमवर्क में आने से पहले एक बार गेनेटिव का देखेंगे गेनेटिव में होता क्या है वैसे डैश डेयर डैश डेयर गेनेटिव वाली लाइन है ना ये इससे ऊपर तो ना वो तो आप रिलेटिव का बता रहे हो उसमें डैश वगैरह नहीं होता ये नॉमिनेटिव अकुजेटिव डेटिव गेनेटिव तो गेनेटिव में डैश डेयर डैश के साथ एस या ई एस और इधर भी एस या ई एस और इस टेबल का मतलब होता है ऑफ द जैसे ऑफ द होता है ऐसे ही ऑफ माई भी हो सकता है ऑफ योर भी हो सकता है ऑफ हर भी हो सकता है सो ऐसे ही डैश है वैसे हो जाएगा माइनस माइनर माइनस माइनर डाइन हो तो डाइनस डाइनर डाइनस डाइनर जाइन हो तो जाइनस डाइनर जाइनस डाइनर आइन हो तो आइनस आइनर आइनस आइनर ये नहीं होता मैन क्या बुलवा दिया हमने तो सो प्लूरल तो आइन का नहीं होता लेकिन बाकी का तो होता है ओके ठीक है सो इसका मतलब ऑफ द मीनिंग निकलेगा हर बार ये एस या ईएस फेमिनिन और प्लूरल में नहीं होगा यस सो दे आर फिल्म दस एंड डस फिल्म्स का मतलब है एंड ऑफ द फिल्म ऑफ द मीनिंग निकलेगा गेनेटिव का गेजिस्ट है जो है वो फेस दास गेजिस्ट है लिखा हुआ है आर्टिकल भी दे रखा है अपन को तो अपना तो काम ही हो गया सो दिस प्राक है डेस गेजिस्ट दि फार्ब है यहां पे यस मीन्स कलर ऑफ द सन नेक्स्ट द फ्रॉग है डियर प्लूरल होगा ये कि फॉर श्योर मतलब इन रिसर्चर्स के क्वेश्चन ओके अगेन द नेम ऑफ द रोज डी होता है डी रोज तो डेयर नाम है डेयर नाम डेयर रोज है मतलब गुलाब के फूल का नाम ओके रिटर कोकोस्नूसेस कोकोस्नूस कोकोनट को बोलते हैं जी नहीं होगा होगा डेस कोकोस्नूसिस ये जो एस या ईएस हम लोग दिखाते हैं जब भी वो कैसे डिसाइड होता है छोटा वर्ड है एक ही वर्ड है मतलब आपने बताया एक ही वर्ड में बोला जा रहा है तो फिर उसमें उसको लंबा करने के लिए ईएस लगा देते हैं छोटा वर्ड होता है तो ईएस लगाते हैं बड़ा हो तो एस लगाते हैं
लेकिन वो मैस्कुलिन या न्यूट्रल का होना चाहिए, एक बात तो यह है। दूसरा दी कोस्कोकोक्सनोस, ओके दी का फिर हो जाएगा डेयर ना, ये एक तो ये हो गया कि सिंगल सिलेबिक वर्ड है तो यस लगेगा, और दूसरा अगर एस साउंड, अगर लास्ट में एस साउंड आ रहा है फिर यस लगता है, एस साउंड ना वर्ड के लास्ट में एस डबल एस एस सी एच जेड इस तरह से कोई भी एस साउंड आ रहा है उससे अगर वर्ड खत्म हो रहा है तो यस लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल शॉट्स, डेयर शॉट्स है तो प्लूरल क्या होगा, डेयर शॉट्स, डेस तो हो ही जाएगा, ये होगा ना, ओके जैसे मान लो किंट आ गया तो क्या हो जाएगा, डेस्किंटेस। तो सिंगल सिलेबिक है यस लग रहा है, फ्लूस यस डेस फ्लूसेस, मान का मानस यस क्या मानस, ओके येगर इंडियाना योनस, येगर येगर का मतलब शिकारी, डेस आना चाहिए क्योंकि ये देखो शार्ट्स का शार्ट से सो रखा है यहां पहले ही डेस। तो जब भी गिनेटिव, ये गिनेटिव आर्टिकल है ना, गिनेटिव आर्टिकल के बाद में अगर कोई एडजेक्टिव आए तो एडजेक्टिव के साथ में ईएन जरूर लगेगा, एडजेक्टिव एंडिंग की ईएन बन जाएगा, ईएन लगेगा एडजेक्टिव एंडिंग, तो मतलब इनके साथ गिनेटिव वाले टेबल में हर किसी में ईएन रहता है, ईएन लगाना है गिनेटिव वाले टेबल में, गिनेटिव के टेबल में ईएन लगेगा, डन। देर उंटरगंग डेस हाउसेस, ये हाउसेस हो रखा है पहले ही, उंटरगंग देर हैरी पॉटर देर रिंग है, रिंग्स का हैरी पॉटर, देर स्टाइन है, ये पत्थर किसका था, ये प्लूरल है इसलिए देयर वाइजन मतलब फिलोसोफर्स का पत्थर, गिनेटिव, ओके या देर नाम है इसका कुकनेस स्टोलर फिल्म इंडियाना येगर डेस शॉन गिसेन, ये पूरा सेंटेंस आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, देर नाम डेर रोज है रिटर डेस कोकोसनोस स्टाइनटोलर फिल्म इंडियाना योनस येगर डेस फॉरलॉर्न शॉट्स, फिल्म का नाम है कोई हाबिश शोन ऑफ गिजेन, ये मैंने अक्सर देखा है, देर उंटरगंग डेस हाउसेस उसर्स कैन इज गार्निश्ड, देर हेयर देर रिंग है हैरी पॉटर शाइन देर वाइजन म्यूस्टे शाइन माल जैन, ये मैं एक बार देखना चाहता हूँ, ठीक है। जो भी गेनेटिव होता है केस वो अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में एक फ्रिज जैसा है, उसको सेंटेंस के शुरू में रख दो लास्ट में रख दो फर्क नहीं पड़ता, सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा, वर्ब आएगी। अब गेनेटिव वाला पार्ट जो है वो शुरू में लिखो लास्ट में रखो बीच में रखो वो वैसा ही सेंस देगा, फर्क नहीं पड़ता उससे। एक्सप्लेन की हाँ पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट ओनली, इसी को एक्सप्लेन किया उसने, हेयर डेयर रिंग है बोल दो इसको,
या हैरी पॉटर डेर स्टाइन डेर वाइजन बोल दो इसको, ये कह रहे ये स्लैश किया, इसका मतलब है ये बोलो चाहे वो बोलो, हाँ ये मैं देखना चाहता हूँ। कुछ लोग इस नाम से जानते होंगे उसको, कुछ लोग इस नाम से जानते होंगे, कई बार सबटाइटल जैसा मामला हो जाता है। हेयर डेयर रिंग है, हैरी पॉटर के लिए ही बोला है इसने, ये द मैन ऑफ द रिंग्स, हो सकता है उसके पास कुछ चमत्कार है, उसकी रिंग में होता है क्या कोई स्टोन वगैरह पत्थर कुछ? अच्छा ये अलग मूवी है, तो आप ये कह रहे हैं फिर इसका मतलब है कि चाहे तो इस फिल्म की बात कर लो चाहे इस फिल्म की बात कर लो, स्लैश दे दिया, इसका मतलब है ये या ये दोनों में से एक, ये मैंने इसको देखना चाहता हूँ, तो हो सकता है कोई इसको देखना चाहता है कोई इसको देखना चाहता है, दो मूवी के नाम, दो अलग अलग मूवी के नाम भी हो सकते हैं। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है ये, करेक्ट। तो आप कौन सी फिल्म बोलोगे फिर उनमें से एक बोलोगे आप, स्लैश का मतलब है आइदर दिस और दैट। ओके ये तो फेमस है, तो आप लोगों ने देखी होंगी, हाँ दोनों ही देख रखी हैं। अरे वाह, अरे वाह क्या बात है, आठ के आठ देख रखे हैं, वाह इतनी इंटरेस्टिंग है, ओके गुड। सो उसको एक्सप्लेन किया इन्होंने कैसे, डे ट्रिक में डे हुआ बोर्ड शॉट्स केज लिक्ड ऑफ स्वाई उर केज इज चीज, उसने पूछा वो लिक्ड असैसिन खाना कहाँ पड़ा है, तो कह रहे केज लिक्ड ऑफ स्वाई उर, तो चीज जो है प्लेट में यहां पड़ा है, चीज काफी बढ़िया भाई प्लेट, नाउ केज ऑफ उर स्वाई, और उसके जो एर्ब्स है ऑफ हाल्फ जैक्स, यहाँ पे चने पड़े प्लेट में छह और इसके बीच में, बहुत दूर में पड़ेंगे ना, सो यहाँ पे पड़े हैं चने, एक चना थोड़ी है ये हिलमेर स्नेर कौन है जो एक्टर है इस फिल्म में, और ये फ्रिट्सी हबलैंड लिली, तो इन दोनों की क्या स्टोरी है ये हम लोग देखेंगे। ओके या डू बेटर, हिलमेर को फर्स्ट पार्ट, हिलमेर स्नेर गुड ना जोन स्नेर गिबोरन 1900 इन रेक्याविक बिकांटेस्टन इस्लांस, तो ये बंदा जो है वो 1969 में रेक्याविक का में जन्मा है ये रेक्याविक, एंड ही इज वन ऑफ द बिकांटेस्टन का मतलब मोस्ट फेमस थिएटर एंड फिल्म साउथ पिलर फिल्म स्टार इस्लांड, इस्लांड की कैपिटल है रेक्याविक, वहाँ का ये फेमस एक्टर है। हमलेट भी कॉमन, हमलेट हमलेट करके शेक्सपियर का कोई नाटक है ड्रामा वगैरह, शाउस्पीलर का उसने अच्छा रोल प्ले किया उसमें, हमलेट का इस्लांड का मतलब आइलैंड है, ये कंट्री का नाम है आइसलैंड, तो आइसलैंड थोड़ी है ये नाम है ना, ये तो नाम है उसका कंट्री का इस्लांड, हाँ। अब कई बार क्या है कि स्पेलिंग अलग हो सकती है, जर्मनी का तो स्पेलिंग डॉयचलैंड है तो डी क्यों है, वो तो कर देते हैं कभी 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 जर्मन प्लेसेस की स्पेलिंग भी चेंज कर देते हैं, अब क्यों करते हैं ये पता नहीं है भाई, अब उनसे कलकत्ता बोलता नहीं होगा तो उसकी कर रखी है उन्होंने कालकुटा, अपने हिसाब से अब कलकत्ता की क्यों कर दी है स्पेलिंग चेंज कर दी, तो कभी कभी ये लोग कर देते हैं,
क्यों हाँ उनसे ढंग से भूल जाए, ऐसा कुछ हिसाब किताब निकाल लेते हैं, है ना। तो कर दी होगी इन्होंने स्पेलिंग चेंज। एरहार्ट क्लासिसिस थिएटर इन फिलन ब्यूनन गेस्पील्ट क्लासिक थिएटर, इसने ब्यूनन मतलब स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस पे इसने क्लासिक थिएटर पे एक्टिंग करी है, एंड प्राइस का मतलब उसको अवार्ड भी मिला है एज ए बेस्टर शाउस्पीलर। और कौन सी परफॉर्मेंस के लिए, हामलेट का उसने जो रोल प्ले किया उसके लिए, शेक्सपियर का है ये हामलेट। Und die Karriere des Sympathischen Schauspielers, des Schauspielers, ये ग्रामर कौन सी है, genitive है ना, ऑफ द, सो करियर ऑफ दिस फ्रेंडली सिंपार्ट, इसका मतलब फ्रेंडली होता है सिंपार्टिश। और देखो डेस लग गया मतलब genitive, तो सिंपार्टिश के बाद में ईएन तो लगना ही था, इसलिए des Sympathischen Schauspielers war Stein। स्टाइल का मतलब इसका करियर रॉकेट की तरह बना, ये ऐसे नहीं कि 10-20 साल इसने लगाए, दो चार साल में ही बन गया हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो। सो बर्लिनाल है ऑफ डेम फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल जो है बर्लिनाल है, जैसे फ्रांस का कान फेस्टिवल फेमस है, फिल्म फेस्टिवल कान, यहाँ पे बर्लिनाल है नाम दे रखा है इन्होंने। हमारे यहाँ क्या दे रखा है नाम फिल्म फेस्टिवल को, वो फिल्म आईफा, आईफा फिल्म अवार्ड्स, ओके अपने कही है क्या, ओके। सो ये डेस यार इन फेब्रुआरी इन बर्लिन, दिस बर्लिनाल है, एवरी ईयर इन फरवरी इन बर्लिन होता है ये, सो इसको उसमें मिला फिल्म फेस्टिवल में बर्लिनाल में। बिकाम एयर क्या मिला इसको, स्वाइट हाउजेंड का मतलब 2000 में, देन प्राइस आल शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार का भी प्राइस मिल गया इसको, एक बार इसको यहाँ मिला है बेस्टर शाउस्पीलर और यहाँ पे शूटिंग स्टार, ब्रिटिश ऑन यारे नहीं है यार है, रोमांस इंटरनेशनल बेकान गुड नाजोन ईस्ट विलेज एयर फील फील जाइटिश एयर हार्ट हाउस जोन रोलन फ्यूर म्यूजिकल्स म्यूजिकल्स स्टॉप इम यार 2000 ड्राई इन द ईयर 2003 स्पिल्ट एयर नेवन फ्रांका पोटेंट है, फ्रांका पोटेंट के साथ इसने रोल किया ब्लूप्रिंट फिल्म में, दीज ए रोल है मार्क्ड इन इंटरनेशनल बिकांट, और उसके साथ रोल करने का मौका मिला और वर्ल्ड फेमस हो गया इंटरनेशनल बिकांट। गुड नाजोन इस्ट विर्कलिस जेयर फील जाइटिस्ट, मल्टी टैलेंटेड पर्सन है ये, एयर हट आउक रोलन फ्यूर म्यूजिकल्स, म्यूजिकल्स में भी इसने रोल किया हुआ है, ओके। या जोसेफ यू स्टार्ट फ्रिट्ज़ी हाबरलैंड, फ्रिट्ज़ी हाबरलैंड, फ्रिट्ज़ी हाबरलैंड 1900 जिप्सिश फिल्म फ्रॉम जिप्सिश, ईरर नाक ईरर नाक ईरर ऑफ विडोन एंड एर्नस्ट बुश, बुश शाउस्पील शूले एक्टिंग स्कूल बिगन सी ईरे एरियरे ऑफ देन बर्लिनर थिएटर ओके स्टॉप। सो फ्रिट्ज़ी हाबरलैंड सी इज बोर्न इन 1975
ओस्ट बर्लिन गिबोरन, ओस्ट बर्लिन, ईस्ट बर्लिन में इसका जन्म हुआ था। देन 45 इयर्स की है ये लगभग। नाख इरर आउस बिल्डुंग अंडर एंस्ट बुश शाउस्पिल शुले, एक्टिंग स्कूल में इसने पढ़ाई की है, एक्टिंग सीखी है इसने प्रॉपर। बिघांजी इरे करियर है एंड देन स्टार्टेड हर करियर इन बर्लिनर थिएटर ब्यूनन, बर्लिन का जो थिएटर के स्टेज है वहाँ से करियर स्टार्ट किया। स्पिल्ट इन न्यूयॉर्क एंड हनोवर, प्लेड इन न्यूयॉर्क एंड हनोवर फॉर 2000 विद 2000X वार्जी मिटक्ली डिस थालिया थिएटर इन बर्ल हमबुर्ग। हमबुर्ग का थालिया थिएटर नाम है थिएटर का, जैसे अपने यहाँ पे रविंद्र मंच करके एक थिएटर है फेमस है, जवाहर कला केंद्र का फेमस नाम है, ऐसे ही वहाँ का है। प्राची ब्यूटिशॉन डॉर्टिस्ट, डॉर्टिस्ट जी, सो दानाक स्पिल्टे जी हियर, विनर थिएटर ओके। सो द नाक आफ्टर दैट सी ऑल्सो प्लेड थिएटर में जो रोल किए उसने, शुरू में बर्लिनर थिएटर बर्लिन का जो स्टेजेस हैं वहाँ किया, देन हमबुर्ग का थालिया थिएटर वहाँ पे भी उसने रोल किया, बर्लिन का मैक्सिम गोर्की थिएटर यहाँ भी, ऑन देन स्टिल सीज देयर एक्टिव मे बी, एंड सिंस 2009 ऑल्सो वीनरबुर्ग थिएटर, ये वीन का फेमस थिएटर है। तो बड़े बड़े थिएटर्स में इसने काम किया है एंड जी गॉट बायरिशन फिल्म प्राइस इन 2004, डॉयचन फिल्म प्राइस फॉर द बेस्ट नेबन रोल है, फॉर द बेस्ट साइड रोल। नेबन रोल है मीन साइड रोल, हाउप्ट रोल है मतलब मेन रोल, एक हीरो होता है एक साइड हीरो होता है ऐसे, तो नेबन रोल है मतलब साइड रोल। 2012 वार जी वीडर फॉर द डॉयचन फिल्म प्राइस नॉमिनेट एंड 2012 में अगेन सी वॉज नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म प्राइस। अब इससे ये इंफॉर्मेशन निकलती है शायद इसको मिला नहीं, नहीं तो ऐसे ही बोल देते जीत गई, नॉमिनेटेड सी वॉज नॉमिनेटेड। ओके या अभिषेक वाइटा ओके, सो सी वाज सेलेक्टेड इन द लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट वेल्टेड जी इन लिस्टेड एयर 100 विस्टिक्स्टन यूंगन डॉयचन, मतलब जर्मनी के 100 इम्पोर्टेंट यंगस्टर्स जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे 100 की लिस्ट बनाई गई पूरे देश में, तो इसका भी नाम आया मैगजीन ने लिख दिया इसका भी नाम कि इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट है युवाओं में। सो एंड देन इन दिस फिल्म जब उसने ब्लाइंड का रोल किया तो एक बाकायदा ब्लाइंड ट्रेनर से थोड़ी प्रैक्टिस करी थी एंड जो आर एस। सो वुड एंड नॉइंसन हुडर फिल्म फ्रॉम जिप्स इज गिबोरन वेयर हिलमियर ऑर्डर फ्रिट्सी, फ्रिट्सी या फ्रिट्सी बोल के देखो फ्रिट्सी हबलांड। Spilt out in musicals met Hilmias not good na zone became den deutschen film prize kisko mila
फिल्म प्राइस नॉमिनेट है, ओके। इसको कौन कौन सा मिला है? ओके, ऋतिक को मिला, ओके। इसको तो मिला है बेस्ट बेस्टर साउथ पिलर और शूटिंग शूटिंग स्टार का मिला है, और उसको फ्रिट्सी को मिला है दन फिल्म प्राइस, डॉयचेन फिल्म प्राइस। इस्टलैंड जे बेकांट, इस्टलैंड में तो ये है फेमस बेकांटेस्ट ना, वन ऑफ द मोस्ट फेमस। वार मिटलीड आम थालिया थिएटर फ्रिट्सी, सो यहाँ पे हो गया फ्रिट्सी, या हो गया हिल्मियर, बिकाम डेन बर्लिनर शूटिंग स्टार हिल्मियर, उन दस इस्ट फ्रिट्सी हिल्मियर फ्रिट्सी, ओके। फ्रिट्सी हिल्मियर या यस या दिस वाज आल्सो वर्क। सो कॉमन दोनों में क्या समानताएं और असमानताएं हैं? कॉमननेस तो एक जर्मन जर्मन टीचर थी और इसके दो बच्चे थे, अंधी थी नहीं अंधी थी और पढ़ाती थी बच्चों, और पढ़ाती थी, और इसने मतलब इसका शौक था, मतलब पैशन था डांस करना, और ये इसका काम करती थी इधर। डांस कौन सी करती है इसमें? नहीं ये वाली करती नहीं थी, ये मतलब शौक था इसको डांस का। ओके एनीबॉडी एल्स? इसके दो बच्चे थे, इसके की उसके, ओके। यूडिथ, यूडिथ हार्टर डांसर, तो यूडिथ हार्टर थी ना, यूडिथ हार्टर टेंसर इन, ओके। कारों की वर्कशॉप में कहाँ लिखा है? किसने नाम बोलो? ओके अनेटे स्ट्रामल, अनेटे ने न्यूज़पेपर में ऐड भी दिया था, यस। टीचिंग भी करवा रही, इसकी कॉल आती थी तो कोई जॉब नहीं देता था, कॉल आती थी तो इसको जॉब नहीं देते थे, ओके ओके। पढ़ने नहीं आते बच्चे शुरू में, ओके। और कोई पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट या निष्ठ के लेजन? ओके या सो जी वार फोन गेबूट आन, जैसे उसमें आया था ना एक्सप्रेशन फोन गेबूट आन, सी वाज ब्लाइंड बाय बर्थ, फोन गेबूट आन। ओंट नाक डेम स्टूडियम जी जेट्स्ट है अनसाइगन, एडवर्टीजमेंट दिए और एडवर्टीजमेंट में क्या लिखा इसने? डॉयच लेरर इन गिफ्ट प्रिवाट उन्टरेस्ट। अब वेन ये मांड मेल्डेट है धान चाकटे जी इमर्ज ऑफ फोर्ट दस दी ब्लिंडेस्ट मन शानूर अनरू फॉर बेंडेटन दस गिस्प्रेश जोफोर्ट। और कोई फ़ोन करके पूछता था कि आप जर्मन टीचर हैं, तो ये बताती थी मैं जर्मन टीचर तो हूँ लेकिन मैं अंधी हूँ, तो बहुत सारे लोग तो जोफोर्ट दन वोल्टन जी निस्ट वाइटर एक्सप्रेशन आजो देखने वाले भी आते थे जेहेंडे लिखा है इसने, देखो ब्लिंड है उन जेहेंडे, मतलब जेहेंडे का मतलब ऐसे बच्चे जो देख सकते थे वो भी आते थे, उन ब्लिंड है मतलब ब्लाइंड आते थे, और ये उनके साथ एक्टिव जेर एक्टिव जो भी आते थे बहुत ही एक्टिव तरीके से सीखते थे। जी हाबन मेयर गिस्प्रोकन फॉर गलेजन उन ह्योर टेक्स्ट है ग्यार बाइटेट, जो इनके हाथ में था वो खूब प्रैक्टिस करवाती थी, वो फोर गलेजन का मतलब लाउड रीडिंग करवाती थी उनसे कि दिखता नहीं तो बोल तो सकते हैं, ह्योर टेक्स्ट है दिखता नहीं तो सुन तो सकते हैं, तो बुलवाती ज़्यादा थी, सुन सुनने का काम खूब था ये। ओंट इस हाबे कोरी गियर्ट शुलर फ्रागन गेस्टेल्ट, जो भी बच्चे पूछते थे उसका आंसर देती थी। दी जे श्रिफ्ट मीन्स ब्रेल लिपि, ब्लिंड श्रिफ्ट पे भी उसने काम किया।
उसकी हेल्प से बच्चे सीखते थे। दोनों जेहेंडे उंड ब्लिंडे लर्नर डॉइच उंड दी ब्लिंड स्क्रिफ्ट, उसके पास जर्मन भी सीखने आते थे एंड ऑल्सो दिस स्क्रिप्ट ब्लिंड स्क्रिफ्ट, अंधों की लिपि होती है पॉइंट से महसूस करके, ब्रेल लिपि बोलते हैं उसको। दीज स्क्रिफ्ट इज 500 आल्ट, मोर देन 200 ईयर्स पुरानी लिपि है ये। बिस्टेट हाउस जैक्स पुंगटन, उसमें 6 पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं से उसका मैसेज या डिकोड करना होता है। दी मिट डेनन मैथमेटिश ऑफ गाबन नोटन मुजिका लीश, जो म्यूजिक स्ट्यू के श्राइबन कान, मैथमेटिक्स भी उन्हीं 6 पॉइंट्स हैं, म्यूजिक भी उन 6 पॉइंट्स हैं। दस लर्नन वार विर्कलिश एक्टिव, और क्या क्या यूज करती थी, लेयर बुक टेग्लिश und computer auch natürlich und arbeitet auch gerne am computer text auf dem computer sie kein problem der computer list sie vor computer list vor का मतलब है कंप्यूटर भी बोल के बताता है, बोलता है ना कंप्यूटर वो। या सो दस वार दन अनेटे श्रामल und hier Judith ist Industrie Kauffrau Bauch Tanz Belly Dance Sie ist Mutter von zwei Kindern Belly Dance Mukha Aber was ist das? Ye bhi Hindi hai kya? Kaun nahi? To isko kya problem hai? Gehörlos Gehörlos matlab isko sunta nahi hai, इसको सुनता नहीं है, इसको दिखता नहीं है, ऐसे गेहोर लॉस। सो यूडिथ इज गेहोर लॉस उन्जी कानिश जीन ब्लिंड या ब्लिंड। अमर वीकान जी आजो तानसन, अब कोई कहेगा कि सुनता नहीं तो डांस कैसे, डांस तो सुनता नहीं तो डांस करने में दिक्कत आ सकती है क्या, कैसे गाने की रिदम नहीं होगा? हाँ तो गाना तो मतलब कैसे, आदमी तो तान पे ही नाचता है ना, हाँ। तो सुनेगा ही नहीं तो रिदम ही नहीं है तो फिर नाचेगा कैसे, ऐसे। सो जी स्टार्टेड तान्स कूर्सन ऑन फोकहॉकशूले, फोकहॉकशूले कम्युनिटी कॉलेजेस स्कूल में उसने सीखा। उन राइस्ट जी सू वर्कशॉप्स इन गांस डॉयचलैंड, ऐसे ही नाच गाने से रिलेटेड जो भी वर्कशॉप्स होती थी उसमें हाथ काले होते थे, ये जो तुमने वो वर्कशॉप समझ लिया वर्ड से, लेकिन उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ये वर्कशॉप मतलब डांस वगैरह की इस तरह की। या स्पीटर जुगार इन यूरोपा एंड इन द बिगिनिंग, ये वर्कशॉप उसने जर्मनी में करी एंड देन आल्सो इन यूरोप। वी जी तान्स जी फ्यूल्ड द डुंकलन ट्यून एंड ऑफ्यूशन, नास्ती कैसे है उसको ये ट्यून म्यूजिक की धुन जो है पैरों में फील होती है ट्यून एन इंडियन फ्यूशन पैरों में। व्योबाक्टेड जी दी आंद्रन वी जी तंस, और बाकी लोगों को नोटिस करती है कैसे उनके पैर थिरक रहे हैं वैसे ही अपने थिरका लेती है ये। या जी लैंड फोन हर मोटा लेजन उन श्राइबन फ्रॉम हर मदर सी लर्नड रीडिंग एंड राइटिंग उन दन लिपन अब लेजन सी कैन ऑल्सो रीड लिप्स फ्रॉम मदर सी हैज लर्नड। आवर अल्टन स्टुम फिल्मन, उसकी भी हेल्प ली उसने कि पुराने जो बहरों के लिए फिल्में बनती थी ना उनको उसने देख देख के सी प्रैक्टिस। जी लर्नड इमामिया व्योटर कोंटे मिडेट साइट आउख जे गुड लिपन लेसन एंड सी कुड ऑल्सो रीड लिप्स ऑफ अदर्स, बाकी लोगों के लिप्स पढ़ के बता देती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। जी लाइटेड होटा आई ने लिपन डोलमेच मेशर अगेंटूअर, एक एजेंसी चलाती है कि लोगों के लिप्स पढ़ के बताएगी है। सो एक तरह से अंधे और जो अंधे क्या मतलब बहरे लोगों की हेल्प करती है ये, वो कुछ कहना चाहते हैं ये उसके लिप्स से इसको जरूरत पड़ती होगी इस तरह के लोगों की। अच्छा सो जी किन की हेल्प करती है, जी उन्ट ईर कोलेगन हेल्पन पेशेंटन दी काइन एस्टीम मेयर हाबन, ऐसे पेशेंट जो बोल नहीं पाते उनकी हेल्प करती है, तभी तो वो लिप्स से कोशिश करते हैं बट दे कांट स्पीक। सो सी हेल्प्स, डॉक्टर्स को बताती है कि क्या कहना चाह रहे हैं। यूडिथ कान दी गिबर्डन स्प्राक हैं उन फ्रॉइड जिश
when mentioned in jeder Sprache miteinander reden können. She would be happy if people can talk with each other in all the languages. Sie möchte auch, dass mehr Sendungen im deutschen Fernseher Untertitel haben. So normally, Filmen mein Subtitle nicht aata. मतलब कम ही फिल्मों में आता है, आजकल आने लग गया होगा सब में, आजकल आने लग गया. तो ये कह रही है कि सभी फिल्मों में सबटाइटल नहीं आते. जर्मनी में केवल 24% टीवी सीरियल्स हैं जिनमें साथ में सबटाइटल आते हैं. अपने यहाँ पे टीवी सीरियल्स में शायद नहीं आते होंगे सबटाइटल, नीचे चलते नहीं साथ में मतलब. सो वो कह रही है कि आने चाहिए, सो दैट जो सुन नहीं सकते, जो लोग सुन नहीं सकते तो वो कैसे क्या चल रहा है, तो अगर सब टाइटल आएंगे तो वो पढ़ लेंगे. सो सी इज सेइंग दैट वुड बी गुड. व्हाई गेहोरलोज कॉमन ऑफ्ट जेयर फील श्वेयर अन इन्फॉर्मेशनन मीन्स सो दैट पीपल कैन गेट इन्फॉर्मेशन टाइमली एंड प्रॉपरली. न्यूज भी आती है तो न्यूज में अपने सब टाइटल नहीं चलता, टीवी में जनरली नहीं चलता ना. तो जो भी ज्यादातर लाइव भी आ रहे होते हैं Das machen wir jetzt von Anfang an. Now we'll do. ये वाला हिलमियर, हाँ इसको कर सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ लिया ना अभी. सो हिलमियर स्टेट गैन फॉर द कैमरा लिली उंड याकोब प्रीपोजिशनन. ये कह रहे हैं कि प्रीपोजिशन मार्किरन जी उंड ओर्डनन जी सू. इसमें एक्चुअली कुछ मिस है. यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि प्रीपोजिशन अकुजाटिव है कि डाटिव है, वो की बात कर रहे हैं या वो हिन की बात कर रहे हैं. एक करके देखते हैं फिर आपको समझाऊंगा. यहाँ कुछ लिखा हुआ होना चाहिए था, देट इज मिसिंग. लिली उंड याकोब माखन जिश ऑफ डिन वेग नाख ओरोपा. ऑफ डिन वेग से पता चल रहा है अकुजाटिव है, नहीं तो डेम होता, डाटिव होता तो अकुजाटिव है. ओके सो हम इसको मान लेते हैं अकुजाटिव. और वोहिन अकुजाटिव का मतलब ही है मोशन. अगर डाटिव होगा तो उसका जवाब होगा वो मतलब फिक्स लोकेशन. तो इसमें वोहिन की बात है तो हम लोग फर्स्ट और थर्ड को क्रॉस कर रहे हैं. फर्स्ट अकुजाटिव जो कि जवाब वोहिन का है, तो ये समझ लो कि कोई ये होगा तो इसके साथ ये होगा ही, और ये होगा तो इसका मतलब ये होगा, एक ही बात है. नेक्स्ट वाले में इसमें कुल मिला के अकुजाटिव और डाटिव की बात कर रही है. प्रीपोजिशन अकुजाटिव ले रही है या डाटिव ले रही है. जी जिन ऑफ डेम वेग नाख रूसलान, राइट, डेम से पता चल गया. सो डाटिव उन वो, डाटिव का मतलब ही वो है, मीन्स स्टैटिक एट ए प्लेस. फ्रिट्सी जीट जाइट नॉइंसन हुंडर्ट आफ्टर नॉइंसिस ऑफ द ब्यून. डाटिव है, स्टेट है, ये स्टेट ऑफ देयर ब्यून है. दी ब्यून होता है, सी इज एट स्टेज. सो अगेन डाटिव. नूर आनी के लोटे गेहन ऑफ द शाउस्पिल शूल है. अकुजाटिव गेहन से पता चल रहा है, और दी शूल का देर भी नहीं हुआ. सो गेहन का मतलब हो गया वो मोशन. मोशन का मतलब ही वोहिन है. सो अकुजाटिव मतलब वोहिन. या पृथ्वी हाट एन हाउस बिल्डिंग अंडर शाउस्पिल शूले गिमाक्ट. डाटिव अंडर शाउस्पिल शूले एट. सो डाटिव उन्दन वो, डाटिव उन वो. ओके नेक्स्ट. माई नाम स्टेट इन द लिस्ट है. माई नाम है मतलब माई नेम इज देयर इन द लिस्ट. सो नेम इज देयर इन द लिस्ट, तो इट इज देयर, नो मोशन.
सो डाटिव देयर फिल्म वार स्वाइट ऑफ ड्राई इंडियन डॉइचिन किनोस दो हजार तीन में सिनेमाज में फिल्म है फिल्म चली तो मतलब चल के नहीं गई, फिल्म चली मतलब सिनेमा में, तो एक तरह से हाँ विद इन दैट बाउंड्री विद इन दैट क्लोज सो डाटिव गिव्स टू गर्न इन स्किनो किनो आ रहा है तो आकुजाटी भी तो होगा क्योंकि गेहन इनसे ही पता चल रहा है इनसे आ रहा है ना इन द स्किनो तो आकुजाटिव गेहन से पता चल रहा है आकुजाटिव या इस गेह इन द स्किनो तो गेह हुआ ना तो मैं पहले तो नहीं हूं आई एम गोइंग देयर और अगर मैं बोलूं आई एम इन द सिनेमा डाटिव होगा फिर तो इस बिन इमकिनो हो जाएगा इमकिनो हो जाएगा ओके सो अकुजाटिव और डाटिव फील अ वारन गेस्टन इम थिएटर मेनी वर देयर इन थिएटर डाटिव दे वर देयर हिल्मियर स्टेल्ट जिस गैर्न फॉर द कैमरा खुद को कैमरे के सामने खड़ा करता है बंदा तो अकुजाटिव वो हिम द रेगिशोर स्टेट लीबर हिंट डे कैमरा आपको इनसे भी पता चल रहा है एक्चुअली वर्ब से भी पता चल रहा है तो स्टेन तो डाटिव है मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं डाटिव अगर एक जगह खड़ा हूं तो डाटिव तो वो ये स्टेलन का मतलब है टू मेक समथिंग स्टैंड किसी चीज को खड़ा रखना करना एक रह गया ओ वापस सोचना क्लास के बाद में बताना दिखा दूंगा सेव है इसमें सो इसमें भी एक्चुअली रिपीट वही चीज करी है कि हमको पता कैसे चलता है टू वे प्रीपोजिशन में कैसे डिसाइड करते हो आपकी आकुजाटिव होगा कि डाटिव क्या रूल बताया था अगर नो मोशन है तो फिर डाटिव होता है और अगर मोशन है तो आकुजाटिव होता है क्लोज बाउंड्री वाला भी पता चलता है प्राची कैसे पता चलता है देन किसी का या फिर आंसर दे पॉइंट ए टू डायरेक्शन होनी चाहिए क्या क्या का जवाब आ रहा है यस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने की बात And there is a direction. So motion plus direction, then accusative. Or अगर कोई static situation closed boundary है या तो closed boundary बोल दो इसको या no motion बोल दो then it will be डाटिव और हम कुछ वर्ब से भी देख लेते हैं है ना कि स्टेलन लेगन आ गई तो आकुजाटिव जेट्सन आकुजाटिव लेकिन स्टेहन लीगन आ गई तो डाटिव ये टिप दे रखी है इसमें सेम चीज यहां भी है कि ये सारे क्या होंगे आकुजाटिव या डाटिव सारी डाटिव होना चाहिए आकुजाटिव हो सारे डाटिव होगा क्यों क्योंकि पहले से ही है ना ये तो कि ये बैठा है वो लटकी हुई है कुत्ता इस पर बैठा हुआ है तो ऑलरेडी देयर मोशन इज नॉट देयर फोटो में मोशन थोड़ी होता है तो डाटिव भी होंगे पिक्चर में तो कि ये बंदा कैमरे के पीछे काम भी कर रहा है तो कैमरे के पीछे है बस एक जगह तो ये डाटिव हो गया तो ये सारे डाटिव होंगे
देखो हिल्मियर जिस्ट ऑफ डिम स्टूल, हिल्मियर जो है वो बैठा है। ओके नाउ इन द बिगनिंग देर इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टेक्स्ट मोमेंट, दिस इज दस रेटशल देर इमोशियोनन। रेटशल, रेटशल का मतलब है पजल। दस रेटशल जिनन रेटशल डेयर, डेयर इमोशियोनन। डेयर कैसे आया भाई, दी होता है इमोशियोन तो ऑफ द का सेंस है यहां पे, गेनेटिव है ये। द पजल ऑफ इमोशंस, गेनेटिव में ऑफ द ही तो मीनिंग देता है और ये प्लूरल वाला है ऑफ द। सो पजल ऑफ द इमोशंस, इमोशंस समझ में नहीं आते, फीलिंग्स समझना मुश्किल है कई बार, हंसते हैं हाँ, कई लोग खुशी में भी आंसू आ जाते हैं कईयों के, तो ये उसके बारे में कह रहे हैं। देयर वैनिश, वी नो वेरी लिटिल अबाउट इमोशंस। वास माइनन वी आर वेन वी आर फोन फ्रॉइड एक्सप्रेशन। कोई बोले खुशी क्या है तो समझाना मुश्किल है, खुशी क्या है, कब होती है आदमी को खुशी, तो हो सकती है छोटी बातों पे भी, कैसे जैसे नए जूतों पे भी खुशी हो सकती है ना, हाँ मतलब खरीद के आए वैसे तो हाँ हो सकता है, कोई भी बात पे खुशी हो सकती है आपको। वारुम वाइनन मेंशन बाय म्यूजिक, म्यूजिक सुन के रो क्यों पड़ते हैं लोग, म्यूजिक पर डिपेंड होता है ना, टोन होती है उसकी, कोई मोमेंट जुड़ा होता है उस टोन से, कोई पास्ट होता है क्या पता, पास्ट हो सकता है भाई, कि ये कह रहे हैं कि ये हमारे को तो समझ नहीं आई पजल, ये कह रहे हैं। क्यूनन आले मेंशन एर्गर साइगन, हर आदमी के बस का नहीं है कि वो इमोशन दिखा पाए, कई लोग गुस्से में भी दिखा नहीं पाते गुस्सा, कई लोग बात बात पे गुस्सा ही रहते हैं, नाक पे रक्त रहता है उनके गुस्सा। सो जाइट स्वाइटाउजेंड जीबन जुक्ट दस बर्लिनर फोरशुंग्स प्रोजेक्ट, लैंग्वेजेस ऑफ इमोशंस अनपोर्टन ऑफ दीजे फ्रागन सिंस 2007, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चलता है लैंग्वेजेस ऑफ इमोशन, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं उस पे बात होगी, कुछ रिसर्च कर रहे हैं वो। वेर इज दी कैनन जी दीजे फ्राउ नाइन, ओके काइन प्रॉब्लम, दस जोल्टन जी होटे गुकन, आज चेक करना कैसे पता करोगे ये कौन है, कोई तो फेमस है ये पर्सन है। ओके जो हियर जिंड इमोशनन, हियर यू सी इमोशंस, हियर गुस्सा वाला इमोशन है ये, खुशी राइट, आंसू तो आपने देख लिए मुझे नहीं दिखे, कोई बात नहीं हाँ हो सकता है हाँ ठीक है, लेकिन हियर यहाँ बोला आपने गुस्सा, गुस्सा गुस्से को बोल सकते हैं हम लोग वूट, वूट गुस्से को बोलते हैं क्रोध ना, बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो उसको वूट बोलते हैं। वैसे एर्गर, एर्गर और वर्ब हो तो जिश एर्गर, जिश एर्गर, इसके साथ अगर वर्ब प्रीपोजिशन भी लगानी हो तो यूबर, जिश एर्गर यूबर, गुस्सा आता है किसी पे, एर्गर का मतलब गुस्सा, वूट का मतलब क्रोध, और व्यूटेंट जाइन क्रोधित होना, वो तो बहुत क्रोधित है, एरिस्ट व्यूटेंट एडजेक्टिव व्यूटेंट, अच्छा ओके, और हियर खुशी ग्लूक्लिश, सो जी इस्ट ग्लूक्लिश, ओके ग्लूक्लिश है या ग्लूक्स गिफ्यूल, फ्रॉइड है, फ्रॉइड का मतलब भी है खुशी, वर्ब जिश फ्रॉयन, जिश फ्रॉयन, अब इसके आगे आउफ आ सकता है, यूबर आ सकता है, हमने पढ़ा है कि खुशी वर्ब, सो ग्लूक्लिस जाइन, ग्लूक्लिस के साथ जाइन लगा सकते हो,
कोई बोले आई एम हैप्पी, इश बिन ग्लुकलिश, इश बिन ग्लुकलिश, आई एम हैप्पी। फ्रॉइड है का मतलब है खुशी, उन्जिश फ्रॉइन, खुश होना। देन व्हाट इज दिस सरप्राइज, युबराशुंग, युबराशुंग, एस ए हा ऊ एन गे, युबराशुंग सरप्राइज। अर्श्रेकन शॉक, अर्श्रेकन। ओके वाइनन, रोना। ओके वाइनन, ट्राउरिश, ट्राउरिश जाइन, ट्राउरिश जाइन। तो बोलेंगे जी इश ट्राउरिश, उनग्लुकलिश। वाइनन, ट्राउरिश जाइन। और हियर परेशान, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड, कंफ्यूज्ड। ओके फॉर स्वाइफेल्ट बोला आपने, फॉर स्वाइफेल्ट कंफ्यूज, या फिर किसी कोई विश्वास तोड़ दे किसी का, उस टाइम पे जो फीलिंग, दिल टूट जाना ना। एक्लिश फिंडन, एटवास एक्लिश, क्रो घृणा किसी पे, एकल, 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 एकल का मतलब है और डिस्गस्टेड। यस एक्लिश, एक्लिश, एटवास एक्लिश फिंडन, डिस्गस्टेड, एकल, घृणा। Traurish, आज जिस फरलेक्स्ट, जिस फरलेक्स्टन वर्ब है, फरलेक्स्टन का मतलब है हर्ट करना, जी हर्ट, जिस फरलेक्स्ट दिल टूटना, फरलेक्स्ट, या फिर किसी बात पे मतलब कैसे समझाएं, जैसे मान लो जैसे बिल्ली ने खीर खा ली ना, उसके पची नहीं तो उसने उल्टी कर दी, फिर वो वापस खा गई उसको, उबाक। सो और फिर कोई बोले कि यार बिल्ली खा गई तुम्हारी खीर, दो वापस ला के दूं क्या, तुमको नहीं रहने दो, या सो कोई बात एक्सपेक्ट नहीं करते वो काम हो जाए, आपके दोस्त, आपका पक्का दोस्त आपके पैसे चुरा लिए, अब बोलो वाह ये क्या हो गया, ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया, वाह तो क्या, अब बोलो यार इस पे अब क्या बोलूं मैं, समझ नहीं आता सर, फॉर स्वाइफेल्ट मतलब ऐसे ही मांग लेता यार मेरे से, मतलब विश्वास ही तोड़ दिया ऐसे, राइट। आपकी पार्टनर है, तुमसे परेशान थी और बात भी नहीं करी और चली गई, तो बोलो मेरे को मौका तो देती एक्सप्लेन करने का, बोले क्या मौका देते रहो। सो दीज आर इमोशंस, ओके बताना हमको भी, ओके okay, वापस से फटाक से बताएंगे इमोशन, एर्गर, ओके ग्लुकलिश, फ्रॉलिश, ग्लुकलिश, फ्रॉइड है, अर्श्रेकन, जिश अर्श्रेकन या युबराशुंग, ट्राउरिश, उन्ट, ओके क्लाइन टेस्ट, क्योंनन जी दीजे इमोशनन लेजन उन साइगन दान गिहुरन जी निश्ट सुदन सेन प्रोसेंट देर गिफ्यूल्स ब्लिंडन इन डॉयचलैंड। आपको भी इस तरह से खुशी होती है, गुस्सा आता है, ये सारे इमोशंस आप में भी हैं क्या? मैं
है, चांसेस है ओके या सो इमोशंस जनरली कुछ लोग एक्सप्रेस कम करते हैं, होते सब में कुछ कम करते हैं, कुछ ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे भी शायद इमोशंस बताया इन्होंने, वाइनन रोना, एट वास एक्लिस फिंडन बिल्ली की खीर, एट वास एक्लिस फिंडन जिस फ्रायन टू बी हैप्पी, जिस जो व्यूटेंट जाइन गुस्सा, जिस वुंडरन आश्चर्य, जिस अर्शरेकन आंख, समझ सरप्राइज एलिमेंट है इसमें, छोटी बड़ी होगी आंख, फरलिप्ट जाइन या प्यार में रोशनी आ जाना, कूल जाइन कूल फील करना ओके। जो हियर जातमान आउक वास मिड एम क्योर पर एक्सप्रेशन, क्योर पर स्प्रेक इष्ट जेर विष्टिश, क्योर पर स्प्राक है इष्ट जेर विष्टिश, बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजोंडर्स मिड एन हैंडन साइट मान इमोशियोनन, आप हाथों से अपने इमोशंस भी दिखाते हो, हाँ बॉडी लैंग्वेज ओके, मानशे मेंशन है, कई लोग समझ नहीं आता तो खाज खोरने लगते हैं हैं करते हैं ना, कई लोग माथा पकड़ लेते हैं, कई लोग यूं यूं भी कर देते हैं या ऐसे करते हैं, तो हाथों से इमोशंस दिखाना, मानशे गिफ्यूल है, मानशे मेंशन हाबन खाइने गिफ्यूल है, कईयों की फीलिंग नहीं है, मानते हो क्या आप, द कुल्टवर बेस्टिम्ड वी मान इमोशन साइट मीन्स योर कल्चर डिसाइड्स हाउ यू विल शो इमोशन, सो डिफरेंट कल्चर में एक चीज के अलग अलग साइन हो सकते हैं, आप मान लो शाबाशी के लिए करते हो या ऑल द बेस्ट के लिए करते हो, हमारे यहाँ पे ठेंगा दिखाने के लिए करते हैं, तो फर्क हो सकता है कल्चरल टू कल्चर। सो मेंशन एक्सप्रेशन निश नूअर मिट वॉर्टन पीपल नॉट ओनली जस्ट स्पीक बाई वर्ड्स, जी एक्सप्रेशन आउख मिट इरन पर दे ऑल्सो स्पीक विद देयर बॉडी, जी क्योनन जो जिम्पाटी ओडर एंटीपाटी एग्रेशियन ओडर फ्रोलिस काइट आउस ड्यूकन, आउस ड्यूकन इज टू एक्सप्रेस विद योर बॉडी, यू एक्सप्रेस एंटीपाटी ओडर सिंपाटी, सिंपाटी का मतलब है यहाँ पे सिंपैथी नहीं है, फ्रेंडलीनेस और अनफ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस और अनफ्रेंडलीनेस, अग्रेशन और फ्रेंडलिस काइट फ्रेंडलीनेस, अगेन फ्रेंडलिस काइट अगेन, सो अग्रेशन। अब एक ही बात पे किसी को गुस्सा भी आ सकता है और कोई अलग तरीके से भी रिएक्ट करते हैं, जैसे उस दिन उसने तुम्हारी शर्ट फाड़ दी तो तुम तो गाली निकालने लग गई उसको, तो कोई आदमी इस बात पे खून का घूंट भी पी जाता है, कोई हाथ उठा लेता है, तो डिपेंड करता है कि कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, यू आउस ड्रूकन मीन्स टू एक्सप्रेस एंड वी एक्सप्रेस विद बॉडी बॉडी लैंग्वेज, बिजोंडर्स किसी किसी की बॉडी लैंग्वेज तो ज़्यादा राइट हाइपर हो जाते हैं कोई लोग, बिजोंडर्स गिजिस्टर साइगन, गिजिस्टर मीन्स फेस फेसेस, गिजिस्ट का प्लूरल है गिजिस्टर, दस गिजिस्ट दी गिजिस्टर, स्पेशली योर फेस शो शोज योर इमोशंस, ज़्यादातर फेस से ही पता चलते हैं, कि कई बार तो अपन को पता चल जाता आज ये शायद खुश नहीं है ना, नमस्ते ही नहीं करी इसने ना, पढ़ भी नहीं रहा, चुपचाप बैठा है, कोई बात हो गई क्या, सो आपको पता चल जाता है चेहरा देख के ओके। सो गिजिस्टर साइगन व्हेन ये मांड नर्वियोस ओडर रूहिस एर्गरलिश ओडर एंस्पांटिस्ट मीन्स द पर्सन इज नर्वस और रूहिस शांत है, एर्गरलिश नाराज है या रिलैक्स्ड है, दिखता है चेहरे से, आंखें चेहरे पे भी आंखें सबसे ज्यादा बोलती हैं, दी स्प्राख डिस गिजिस्ट इस दी स्प्राख डिर इमोशन इमोशनन, द लैंग्वेज ऑफ द फेस इज द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, फ्रॉयड ट्रावर वूट एकल अंगस्ट, दीज आर द इमोशंस, फ्रॉयड खुशी, ट्रावर दुख, वूट क्रोध,
गुस्सा, एकल, डिस्गस्ट, अंगस्ट, डर, दीज आर द इमोशंस. फ्रॉइड थ्रावर दासकन मन नॉर्मालर वाइज है, आर भी है देखो इसमें, नॉर्मालर वाइज है मिट डिम गिजिस्ट आउस ड्यूकन. नॉर्मली यू कैन एक्सप्रेस दिस इमोशंस योर फेस मिट गिजिस्ट ओंट ऑफ्ट बेसर आल्स मिट वॉर्टन. जब आप फेस से एक्सप्रेस करते हो दैट इज बेटर देन वर्ड्स. बेसर आल्स मिट वॉर्टन, कोई बात आप बता नहीं सकते कि मेरे कितना बड़ा दुख है. आपकी आंखें, आपका चेहरा बता देता है कि दुख बड़ा है. आई नीड ए मेंशन क्योंन गिजिस्टर अबर निश जो गुट ले जन. कई लोगों को पता ही नहीं चलता इसके दुख है कि नहीं है? वो वैसे ही बिहेव करते हैं, नहीं को बता पढ़ नहीं पाते दूसरे का चेहरा. मान लो दुख है और आप उससे बातें खुशी वाली करोगे तो आपको देख के रिएक्ट करना पड़ता है ना. तो कईयों को पता नहीं चलता तो मार खाते हैं. फिर हनी के मेंशन क्यों नन गेजिस्टर आवर निश जो गुट लेजन सेन प्रोसेंट है डोइचन जिन गिफ्यूल्स ब्लाइंड 10% जर्मन्स आर फीलिंग ब्लाइंड दस हाइस्ट दस जी इरा आइगन गिफ्यूल है ओड आर दी देर आंद्रन निश जो गुट अर्केनन क्यों नन 10% जर्मन्स फीलिंग लेस हैं भाई. उनको दूसरे की फीलिंग्स का पता नहीं लगता और खुद की भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते. अबर हाबंदी जे मेंशन विरकलेश काइन गिफ्यूल है Does it mean that they don't have feelings? Express नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते, इसका मतलब feelings हैं कि नहीं उनमें? LOA, for sure, उनके जो researchers हैं, जो काम कर रहे हैं इस project पे, project की report है ये. उन्टर जूखन, gefühls blind है, उन्टर normal है. They are actually working on जो normal people and also feeling blind people. Ergebnis, and what was the result? Gefühls blind है, red and vinegar. Feeling blind people talk less und sind schneller im stress. Easily उनको गुस्सा आ जाता है, उनको क्लास में उबासी आ जाती है, right? नहीं नहीं उबासी नहीं आती, गुस्सा ही आता है. So schneller im stress, उनको stress जल्दी होता है. When sie Emotionen ausdrücken and when they express their emotions, machen sie weniger Gesten. जब वो बात भी कहते हैं तो उनके हाथ हाथ नहीं हिलते, बिना इमोशन की बात करते हैं. आज खुश लगते हो तो मतलब तो वो आपके चेहरे से भी लगना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो. वो मैच ही नहीं करता उनका मामला. विनीगर गेस्टन, इतने एक्सप्रेस नहीं कर. इनन फेलिंग दी वॉट है फ्यूर फ्यूल है, उनके पास वर्ड्स नहीं होते शायद फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए. आबर जी हाबन की फ्यूल है बट दे हैव फीलिंग्स, इसका मतलब फीलिंग लेस नहीं है. दे हैव फीलिंग्स बट दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस. आई ने स्वाइटर फ्रॉग है, फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या था, हाबन दी विरकलेश काइंड की फ्यूल है, उनकी फीलिंग्स होती क्या, उनको फीलिंग्स होती नहीं, फीलिंग ब्लाइंड लोग हैं क्या उनमें नहीं होती. दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन. एंड सेकेंड क्वेश्चन, वेल्स है बिच्यूंग haben Emotionen und Kultur. What is the relation between emotion and culture? Culture to culture भी इस बात का फर्क पड़ता है क्या? Es gibt sieben Emotionen, die alle Menschen auf der Welt teilen. There are seven emotions, so all around the world, people have these emotions. सभी में होते हैं ये seven तो. Freude, खुशी. Wut, गुस्सा. Ekel, घृणा, disgust. Angst, डर, fear, fear. Verachtung का मतलब है किसी की निंदा करना, भर्त्सना करना, condemn करना किसी को. ये वाला सभी में रहता है. Traurigkeit, sadness. Yes. दुख. Überraschung and surprise. So these seven emotions everybody has in all the cultures. अबर एस्किप्ट कुल्टुरेल है, उंटरशीड है, बट देर आर सम कल्चरल डिफरेंसेज. कुल्टुरेल है, उंटरशीड है मीन्स डिफरेंसेज. देर उंटरशीड, दी उंटरशीड है प्लूरल. इन मानशन कुल्टुरन साइट मान मेयर इमोशनन मिड इन गिजिस्ट उंट इन आंद्रन विनीगर. इन सम ऑफ द कल्चर्स पीपल शो मोर इमोशन एंड मिड गिजिस्ट फेस है उन इन आंद्रन विनीगर.
कईयों में फेस से इतना एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे हमारे यहाँ पे आदमियों को रोना अलाउ नहीं है भाई, तो वो कल्चरली अगर आदमी कोई मान लो ढाँ ढाँ करके रोने लगे तो ये तमाशा बन जाता है कि अरे देखो, मतलब वो अलाउड नहीं है जनरली एक तरह से। अब कोई मनाही वैसे नहीं है, लिखा हुआ नहीं है दीवार पे, बट ये अंडरस्टूड है कि भाई आदमी नहीं रोते ऐसे जबरदस्ती, रोने नहीं देते उनको। इन फंक्शन कल्चरल साइट मान इमोशन मिट के जिस्ट ओके, क्यों नहीं रोते वो? वाइल द साइगन फोन गिफ्यूलन डॉट निस्ट होफलिशिस्ट बिकॉज इट इज नॉट पोलाइट, इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड अकॉर्डिंग टू द कल्चर। दस विशन वी आउक द Gizists ausdrücke, die man aus der eigenen Kultur kennt, versteht man am besten. आप वही इमोशंस बेटर समझ पाते हो जो आपकी कल्चर में जिस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। दूसरे लोग उसको कुछ अलग भी समझ सकते हैं, तो आपको वो भी जानना पड़ेगा कि वहां पर इसका क्या मतलब है। सेम इमोशन जैसे अपन ने ये वाला किया अभी। Für uns alle heißt Kommunikation, but for us it's all मेन कम्युनिकेशन मीन्स जो एक्सप्रेशन करने का सब ये तरीका सब, दैट इज फॉर अस कम्युनिकेशन, रूल ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम लोग थीमा भी ले सकते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, इसको ले सकते हैं हम लोग। या गुड टॉपिक मैडम गेजिस्ट ऑन डेम क्योरपर एक्सप्रेशन। सो वी स्पीक विद फेस, वी स्पीक विद बॉडी लैंग्वेज। हाबन जी आइगन ए फ्राग है, eine Frage oder einen Kommentar, dann können Sie hier auch schreiben. So, you can also write to the... So, Kommunikation. Das war es. Und, was machen wir dann jetzt zu Hause? Moment. Okay.